Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So this is a lecture series that is related to JNUE PhD for previous year question discussions for environmental science. Okay, so ये जो lecture है ये आपका lecture number 4 है. Already lecture number 1, 2 and 3 are there. ठीक है, जिन्होंने अब तक lecture number 1, 2, 3 नहीं देखा है they should go and see these lectures. Okay, so exam is 6 to 7 December. Again for a reminder I am giving you, the exam जो है 6 से 7 December के बीच में होगा और आप लोग please तैयार रहिए और सारे videos को एक बार अच्छे से देखिए, otherwise फिर गलती करोगे और फिर आके बोलोगे सर हम सही question नहीं बनाते, this was very bad. ठीक है, तो आप लोग questions जरूर बनाओ और solve भी करो अच्छे से. Okay, so let's begin. So the first question here, seeing here, it's telling that Beer-Lambert's law gives a relationship between what? Okay, so चलते हैं Beer-Lambert's law की तरफ. Beer-Lambert's law क्या होता है? It tells that light absorption is directly proportional to the path length and द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, ये कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और पाथ लेंथ के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. क्लियर है, तो जिसमें क्या होता है कि एनर्जी का, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दिया है फॉर्मूला, एब्जॉर्प्शन इक्वल टू मोलर एब्जॉर्बिटी ई एल पाथ लेंथ इनटू कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो इसमें सिंपल सा स्टेप क्या है कि कभी भी लाइट, ये देखो आपका क्यूबेट है, ठीक है क्यूबेट है, और इससे अगर लाइट पास कर रहा है तो वो कुछ लाइट जो है इस लिक्विड में एब्जॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, और कुछ आउट होगा, तो जो भी एब्जॉर्ब होगा जो भी आउट होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल डिटरमाइन व्हाट, यू विल डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन of an element. ठीक है, ये सैंपल है, कहाँ लगाते हो, स्पेक्ट्रो फोटो मीटर में. क्लियर है, तो इसमें से ये निकल के आता है. तो ये जो था ये पहला क्वेश्चन, इसमें एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड कंसेंट्रेशन पे था ये क्वेश्चन. The second question is asking, a polarimeter has a zero error of -0.1 and it reads -0.1 when a true angle of rotation is 0 degree. What is the true angle when polarimeter needs 9.80? Okay, so बड़ा ही simple question है. This is basic polarimeter, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें नॉन पोलराइज्ड एंटर करता है, फिर आपका यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट में बन जाता है, एक सिंगल एक्सिस में चला जाता है, सिंगल एक्सिस के बाद वो टूट के फिर आपका यहाँ पे पोलरिमीटर सैंपल से गुजरता है, देन देयर इज अ डिग्री ऑफ रोटेशन, देन रोटेटिंग एनालाइजर इज देयर, देन फोटो मल्टीप्लायर इज देयर टू डिटेक्ट द लाइट कमिंग इनसाइड इट. ओके, तो ये पार्ट्स हैं पोलरिमीटर के, बट इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो तो बहुत सिंपल है, अगर जीरो होता तो ये 9.80 डिग्री दिखाता, बट ये है क्या, ठीक है ये है तुम्हारा, अभी वो दिखा रहा है जीरो के जगह में -0.1 डिग्री. ठीक है, तो ये -0.1 डिग्री और जीरो को ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना होगा, +0.1 डिग्री. ठीक है, +0.1 डिग्री करना होगा. ठीक है, तो इसमें अगर +0.1 डिग्री जोड़ दूं इसमें ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगा, 9.9 डिग्री आंसर दिया. ठीक है, तो अभी का जो ट्रू एंगल बनेगा वो 9.9 डिग्री होगा. क्लियर है, ओके, तो ये वाला क्लियर हुआ, तो ये काफी इजी था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो पोलरिमीटर का काम क्या होता है उससे पहले जान लेते हैं थोड़ा.
ये पोलारीमीटर क्या है? पोलारीमीटर इज ए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन कॉज्ड बाय ए पासिंग पोलराइज्ड लाइट थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। सम केमिकल सब्सटेंसेस आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड पोलराइज्ड यूनिडायरेक्शनल लाइट विल रोटेट ईदर टू द लेफ्ट क्लॉकवाइज एंड राइट क्लॉकवाइज व्हेन पास्ड थ्रू दिस सब्सटेंसेस। द अमाउंट बाय व्हिच द लाइट इज रोटेटेड इज नोन एज द एंगल ऑफ रोटेशन। द डायरेक्शन क्लॉक वाइज एंड काउंटर क्लॉक वाइज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन रिवील्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सैम्पल कायरल प्रॉपर्टी सच एज रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ इनेंसियमर प्रेजेंट इन द सैम्पल। क्लियर? तो ये डायरेक्शन कैसे घुमा रहा है, क्या कर रहा है, आपकी चीज को देख सकते हैं। पोलेरीमीटर क्या कर रहा है? एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर कर रहा है। पासिंग पोलराइज लाइट थ्रू दी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एसर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजनिंग आर। एसर्शन क्या बोलता है? द प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक फॉर मेजरिंग कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एन ए प्लस एंड सी ए टू प्लस आयन्स डिफर्स फ्रॉम दोज मेजरिंग ओ टू एंड सी ओ टू कंसेंट्रेशन इन द ब्लड। रीजन क्या बोलता है? एच प्लस एन ए प्लस सी ए टू प्लस आर मेजर्ड बाई द वोल्टेज जनरेटेड बाई इलेक्ट्रोकेमिकल वाइल ओ टू एंड सी ओ टू आर मेजर्ड बाई द करेंट जनरेटेड बाई एन इलेक्ट्रोलाइसिस सेल एम्फोटोरिक मेथड। ठीक है, तो ये एम्फोमेट्री जो होता है ये क्या है? इज वन ऑफ ए फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स इन विच पोटेंशियल अप्लाइड टू ए सेंसिंग इलेक्ट्रोड इज कंट्रोल्ड इंस्ट्रूमेंटली एंड द करेंट ऑकरिंग एज ए कंसिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट द इलेक्ट्रोड एंड सरफेस इज रिकॉर्डेड एज ए एनालाइट सिग्नल। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है। कैलोमेल सेल है, अगार सॉल्ट ब्रिज है, सैंपल आ रहा है यहाँ से लोड होके। ठीक है, यहाँ पे उसका मेजरमेंट हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से, उसका मेजरमेंट हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है? वाइल ओ टू एंड सी ओ टू आर मेजर्ड बाई करंट जनरेटेड। ठीक है, जबकि ये सब क्या मेजर हो रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल से मेजर हो रहा है, जितने भी कैटायंस हैं ओ टू एंड सी ओ टू जो है वो मेजर हो रहे हैं तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइसिस सेल से। तो वही है, इसलिए वो डिफर बोल रहा है। ब्लड में इनका जो मेथड्स है दैट इज वेरी डिफरेंट, तो ये दोनों ही करेक्ट है। दिस इज द सेटअप, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यू कैन सी हियर इट इज आस्किंग आइडेंटिफाई द रॉक टाइप विथ ए एवरेज वेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ 42.3 सिलिका एंड 42.AL2O3 4.2%। ओके, यहाँ पे 42.3 था और यहाँ पे 4.2% था। ओके, इसमें आप देख सकते हो कौन सा मिनरल होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे 40 के पास पास पहुँच चुका है। ठीक है, मतलब सिलिका कंटेंट है 42.3% के पास पास है। क्लियर है? अब AL2O3, ठीक है, तो 42.3% से तो इतना कंफर्म हो जा रहा है कि इस सीक्वेंस से कि इसमें पेरिडोटाइट होगा। तो यहाँ पे पेरिडोटाइट लिखा हुआ है, सिलिका में 42.3% पेरिडोटाइट होता है, वो आपको पता होना चाहिए। ये टेबल से पता कर सकते हो सिलिका कंटेंट देखते हुए सिर्फ। ठीक है, ग्रेनाइट में कितना है? 70 है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एंडेसाइट उसके बाद आता है तो 60% के पास पास है। क्लियर? अब ग्रैनोडायराइट जो है इसी के बीच में है, यहीं पे लाई करते हैं ग्रैनोडायराइट। तो आपका आंसर क्या होता है? सिर्फ पेरिडोटाइट होता है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट हमने ओनली डिटरमाइन किया है। तो ये टेबल आपको याद रखना है, परसेंटेज ऑफ मिनरल बाई वॉल्यूम थ्रू इंट्रूजिव एंड एक्सक्लूजिव। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इट इज वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ सैंड सिल्ट क्ले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। ठीक है, देखो सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है? अलाउइंग द पार्टिकल इन सस्पेंशन इन वाटर टू सेटल आउट ऑफ द सस्पेंशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी द पार्टिकल्स दैट सेटल आउट ऑफ द सस्पेंशन बिकम सेडिमेंट एंड इन वाटर ट्रीटमेंट इज नोन एज स्लज। ठीक है, तो इस तरीके से सीव्स होते हैं। सीव्स
सीविंग मेथड होता है। पहले तो सीविंग किया जाता है, फिर पार्टिकल्स को सॉर्ट किया जाता है, क्ले होगा, सिल्ट होगा, सैंड होगा, सेडिमेंट को सॉर्ट किया गया। फिर सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा कि वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो पहला सीविंग, फिर सेडिमेंटेशन, फिर उसको पिपेटिंग मेथड। ये रहा पिपेट मेथड। पिपेट मेथड में क्या हो रहा है, द पिपेट मेथड कंसिस्ट इन यूजिंग ए पिपेट टू टेक ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर सस्पेंशन ऑफ ए सॉइल। सैंपल्स आर टेकन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम फ्रॉम सस्पेंशन स्टीयरिंग एट अ स्पेसिफिक डेप्थ एंड यूजिंग अ पिपेट विथ अ नोन वॉल्यूम। नेक्स्ट द सैंपल टेकन आर एवेपोरेटेड एंड ड्राइड टू ए कॉन्स्टेंट वेट। कॉन्स्टेंट वेट में उसको ड्राई कर दिया जाएगा। क्लियर, सिंपल है ये चीज, समझ में आ रहा है? ओके तो क्या कर रहे हैं, पिपेट में एक पिपेट लेके उसको टेक ए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सस्पेंशन। ठीक है, मतलब वाटर में, ठीक है, सॉइल को सस्पेंड कर दिया छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, फिर क्या किया रहा है, इसको स्टेयरिंग कर रहा है, स्टेयरर से इसको स्टेयरिंग कर दिया। फिर टाइम लिया जब तक वो वॉल्यूम जो है वो सेटल नहीं हो जाता है। सस्पेंड स्टेयरिंग एट ए स्पेसिफिक डेप्थ, सैंपल वाज टेकन आफ्टर स्पेसिफिक टाइम फ्रॉम सस्पेंशन स्टेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट द सैंपल टेकन आर एवेपोरेटेड एंड ड्राई टू ए कॉन्स्टेंट वेट। तो पता चल जाता है कि कौन उसमें मर गया। तो पिपेटिंग मेथड जो है वो थर्ड पोर्शन में। तो सेविंग, सेडिमेंटेशन, पिपेट मेथड से ही आप सैंड, सिल्ट और क्ले साइज को, डिस्ट्रीब्यूशंस को पता कर सकते हो। बाकी सब होगा नहीं, हैंड पिकिंग तो नहीं होगा। देखो, हैंड पिकिंग नहीं है, हैंड पिकिंग नहीं है एंड मैग्नेटिक सेपरेशन तो नहीं होगा। तो इस वजह से ये तीन ऑप्शन तो कट जा रहे हैं। देखो, ये पहले ही कट जा रहे हैं, इनको बोलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो लेक्चर था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव सम डाउट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली टू आवर फोन नंबर दैट इज प्रेजेंट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।